हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ब्रेड का मीठा बनाना। ये बहुत ही कम टाइम में बन जाता है और बहुत ही टेस्टी होता है। इसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए। हमने 3 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड ले लिया है, इसे हमने स्क्वायर पीसेस में कट कर लिया है। कोकोनट डस्ट हमने ले लिया है, ये लगभग 200 ग्राम्स ऑफ शुगर हमने लिया है शुगर सिरप के लिए, 1 पिंच ऑफ फूड कलर एंड थोड़ा सा वाटर। तो चलिए हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें शुगर सिरप बनाना होगा। शुगर सिरप के लिए हमने गैस पर एक पैन ले लिया है। पैन में हम लोग शुगर डालेंगे। फूड कलर थोड़ा सा पानी। हमें सिरप बहुत पतला नहीं बनाना है, हमें सिरप गाढ़ा ही रखना है। फ्लेम आप मीडियम पर रखें और इस तरीके से इसे स्टर करते रहना है। जब तक शुगर अच्छे तरीके से मेल्ट ना हो जाए और सिरप थोड़ी गाढ़ी ना हो जाए, हमें कंटिन्यूस चलाते रहना है इसे। लगभग 2 से 3 मिनट हो गए हैं, शुगर अच्छे तरीके से मेल्ट हो गया है और शुगर सिरप भी लगभग बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी हो गई है बिल्कुल सिरप। अब हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे साइड कर लेते हैं। शुगर सिरप बनकर तैयार हो गई है। अब हमें ब्रेड को फ्राई करना है। ब्रेड को फ्राई करने के लिए हमने गैस पर एक पैन ले लिया है और पैन में ऑयल डालकर गर्म कर लिया है। अब इसमें हम ब्रेड डालेंगे। ब्रेड को हमें डीप फ्राई करना है, दोनों साइड से बिल्कुल गोल्डन ब्राउन। ब्रेड बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है, इसलिए हमें ध्यान रखना है फ्लेम का। बिल्कुल भी आप मीडियम पे ही रखें, हाई पे ना करें और अच्छे तरीके से इसे फ्राई करें लगभग गोल्डन ब्राउन होने तक। ये देखिए कितनी जल्दी फ्राई हो जाता है। ब्रेड लगभग दोनों साइड से ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। और डायरेक्ट शुगर सिरप में डाल देंगे। शुगर सिरप में हमें बहुत देर तक नहीं रखना है, बस इसे दोनों साइड से कोट करना है। सिर्फ 1 मिनट ही रखना है और फिर इसे निकाल लेना है। 1 मिनट हो चुके हैं। अब हम इस ब्रेड के पीसेस को निकाल लेंगे और कोकोनट डस्ट में इस तरीके से हम कोट करेंगे दोनों तरफ से, इस तरीके से। इस तरीके से आप कोट कर लें। कोट करके इस तरीके से प्लेट में सरिया दें।
ध्यान रखना है हमें शुगर सिरप में बहुत देर तक ब्रेड को नहीं रखना है। इस तरीके से कोट कर लें और कोट करके रख लें। इसी तरीके से सभी ब्रेड को आप फ्राई कर लें और शुगर सिरप में डाल लें। डालने के बाद फिर उसे निकालकर कोकोनट डस्ट से रैप कर लें। देखिए कितनी जल्दी बनकर ये तैयार हो गई है, बहुत ही टेस्टी और यमी होती है। आप भी ज़रूर इसे ट्राई करें। दोस्तों 5 मिनट में हमारा डिलीशियस ब्रेड का मीठा बनकर तैयार हो चुका है। इसे आप ज़रूर ट्राई करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।